हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एमपी पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत कूप किस जिले में स्थित है। तो भारत कूप जो स्थित है सतना में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश की जैविक कृषि नीति कब लागू की गई थी। तो ये की गई थी जुलाई 2011 में। अगला, गजरारा जे चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो 1946 में की गई थी। अगला, अनुच्छेद 213 का प्रयोग कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। अगला, फेन अभयारण्य किस जिले में है। तो ये मंडला में है। अगला, कठमैना और बिजवार किस जनजाति की उपजातियाँ हैं। तो बैगा। अगले, कान्हा टाइगर रिजर्व का आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो भूर सिंह बारासिंगा। अगला, अटारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो भूमिया बैगा से संबंधित है। अगला, रहली का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है सागर में। अगला, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो बसंत प्रताप सिंह। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन करता है। तो ये अजय सिंह करता है। अगला, तीजन बाई का संबंध किस लोक गायन से है। तो पंडवानी से। अगला, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो 2.2 होता है। अगला, पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जल ले जाना जाइलम का प्रमुख कार्य होता है पौधों में। अगला, वर्ष 2016-17 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों प्रदान किया गया था सुरेंद्र शर्मा को। अगला, औद्योगिक विकास केंद्र मनेरी किस जिले में स्थित है। तो ये मंडला में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा 17वां क्वेश्चन है कि कालिदास अकादमी की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी 1977 से 78 के बीच। अगला, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को रियो 2016 के लिए चुना गया था। तो अंकिता शर्मा को लॉन्ग जंप के लिए चुना गया था। अगला, सजनी नृत्य और नवा खानी पर्व का संबंध किस जनजाति से है। तो ये है गोंड जनजाति से। अगला, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के किस शहर में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र खोला गया। तो ये खोला गया इंदौर में। अगला, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के प्रमुख 50 शहरों में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। तो ये 11 शामिल हैं जिले। अगला, धर्मशाला किस राज्य की राजधानी है। तो हिमाचल प्रदेश की। अगला, 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था। तो दिव्यांगजनों के लिए विज्ञान एवं तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो 1899 में। अगला, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी। तो 1913 में की थी। अगला, सिंधु घाटी में स्नानागार कहाँ से मिला। तो मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला, गोविंद महल किस जिले में स्थित है। दतिया में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश में संरक्षित वन कितने प्रतिशत है। तो लगभग 37%। अगला, सरकार ने हाल ही में किस ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ब्लू हेल चैलेंज पर। तो फ्रेंड्स, हमारा 30वां क्वेश्चन कि गोटमार मेला प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो छिंदवाड़ा में। अगला, गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन किस विधानसभा से विधायक हैं। तो बालाघाट। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से। तो फ्रेंड्स, हमारा 33वां क्वेश्चन है कि इटाई बीमारी किसके कारण होती है। तो ये होती है कैडमियम विषाक्तता के कारण। अगला, पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी के लेखक। तो मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये 1565 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर राजन कुमार सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो अमर पाटन सतना से। अगला, बिलमटन 2017 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। तो रोजर फेडरर ने 8वीं बार जीता था। अगला, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो मेघनाथ साहा। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो TN श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासीर के संरक्षण के लिए जलाशय को चुना गया था। तो केरवा भोपाल को चुना गया। अगला, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो ये गुजरात की है। अगला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती। तो 8 राज्यों से। अगला, भागीरथी नदी का उद्गम स्थान का क्या नाम है। तो गोमुख। अगला, गीत गोविंद किसकी रचना। तो ये है जयदेव की। अगला, जीवाश्म उद्यान डिंडौरी की स्थापना कब की गई। तो 1968 में की गई थी।
अगला पीर भूदान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सांबरा शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान तथा मानव विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में है। अगला भारिया जनजाति का परंपरागत नृत्य कौन सा है? तो अरिहाई। अगला बोरी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि MP पटवारी के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।